सलाम टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक 1.1 का फर्स्ट हाफ स्टडी किया था। इस वीडियो में हम उसका सेकंड हाफ स्टडी करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, हर वीडियो में जो टॉपिक स्टडी किया जाता है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज के नोट्स और टेक्स्ट बुक के वर्ड मीनिंग वाले नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वी हार्डली फाइंड ए डिवाइस, हम बामुश्किल ही कोई ऐसा आला, कोई ऐसी डिवाइस ढूंढते हैं वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व, जिसमें फिज़िक्स का अमल दखल ना हो। वो कह रहा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकरीबन हर एक चीज़ फिज़िक्स पर बेस कर रही है। इस पैराग्राफ में वो हमारी ज़िंदगी में फिज़िक्स के असरात और उसका डीप इम्पैक्ट बता रहा है कि हम जिस चीज़ को भी अपने इर्द गिर्द देखें वहाँ पर फिज़िक्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। अब वो कुछ मिसालें दे रहा है हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। कंसिडर पुलिस दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स, वो कहता है पुलिस को देख लें, दैट मेक इट ईजी, जो के आसान बनाती हैं टू लिफ्ट हैवी लोड, भारी बरकम वज़न उठाने को। पुलिस क्या होती हैं? आपने पुलिस के बारे में सुना होगा, पुली के बारे में सुना होगा, जैसा कि ये पिक्चर में देख लें, ये एक पुली है, एक व्हील है जिसके दोनों साइड से रस्सी होती है, एक साइड से हैवी लोड को कनेक्ट किया जाता है और दूसरी साइड से आदमी खींचता है उसे। इस तरह के स्ट्रक्चर से हम हैवी लोड बहुत इजीली उठा सकते हैं। पहले वक्तों में अमूमन कुओं पर, पानी के कुओं पर इस तरह का स्ट्रक्चर लगाया जाता था जिसे हम पुली कहते थे। इससे भारी वजन वाली पुली वगैरह उठाना आसान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज नॉट ओनली टू गेट लाइट एंड हीट, वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से ना सिर्फ हम रोशनी और हरारत हासिल करते हैं बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी, बल्कि मैकेनिकल एनर्जी भी हासिल करते हैं, दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स ईटीसी। मैकेनिकल एनर्जी हासिल करते हैं जो कि पंखों को और इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी एक फिज़िक्स की मिसाल है, फिज़िक्स के असूल से बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो कि फिज़िक्स की एक ब्रांच है, आप ब्रांच भी इसे कह सकते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें हरकत करने में मदद देती है, जिनसे चीज़ें हरकत करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी मोटर में मौजूद आर्मेचर को घुमाती है अपने इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट की वजह से, उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है मोटर के। अब फैन को समझ लें, फ़ैन के पंखे रोटेट करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमें हवा प्रोवाइड करते हैं। कंसिडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, नकलो हमल के ज़राए को ही देख लें, सच एज, जैसा कि कार एंड एरोप्लेन्स, जैसा कि कार और हवाई जहाज़ हो गए, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू इस्तेमाल की अशिया सच एज एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वाशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवंस ईटीसी। और घरेलू अशिया की तमाम, तकरीबन हर एक चीज़ जिसमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर ये सब आ जाते हैं, सब में फिज़िक्स इन्वॉल्व होती है। सिमिलरली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसी तरह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए मवासलात सच एज रेडियो, जैसा कि रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिज़ल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स, ये सब फिज़िक्स के इस्तेमालात का नतीजा हैं।
दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइव्स मच ईजियर। इन आलात ने हमारी जिंदगियों को बहुत आसान बना दिया है। फास्टर, तेज एंड मोर कंफर्टेबल देन द पास्ट। और हमारे माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा आरामदेह भी बना दिया है। हम अगर पास्ट को देख लें, अपने पास्ट को आज से तकरीबन 200 साल पहले या 19वीं सदी की बात कर लें, तो ये सारी जिद्दत, ये सारी मॉडर्न चीज़ें 19वीं सदी में ही ईजाद की गई, तकरीबन दरियाफ्त हुई या ईजाद की गई। उससे पहले लाइफ, अब आप इमेजिन कर लें किस कदर डिफ़िकल्ट होगी। आज हम देख लें, अगर हमारे पास सेल फोन ना हो या नेटवर्क ऑफ हो जाए तो हमें किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम अपनी बात दूसरों तक शेयर नहीं कर सकते, टेलीविजन की नशरियात नहीं चल सकती, हम दुनिया से आगाह नहीं हो सकते, हम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते, ना मैसेज कर सकते, ना कॉल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि किस कदर हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन आज से 200 साल पहले ये सब लोग तब भी ज़िंदगी जी रहे थे, और उनके लिए किस कदर मुश्किल होती होगी इस तरह की लाइफ। तब लोग अपने पैगामात डाक के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, ठीक हो गया। तब सफ़र करने के लिए इस कदर फास्ट मींस भी, ज़राए भी मौजूद नहीं थे, जैसे अब एरोप्लान है, जैसे कार्स हैं, बस वगैरह हैं। हम दिनों का सफ़र घंटों में तय कर लेते हैं। पहले तो घोड़ों वगैरह पर, ऊँटों पर सफ़र किए जाते थे, या पैदल लोग सफ़र करते थे। सबसे पहले ट्रेन ईजाद हुई, ट्रेन की मदद से सफ़र किए जाते थे। इसके बाद वो बताता है, पास्ट के रिलेटेड वो एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू। थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फोन, वो कहता है कि एक मोबाइल फोन के मुतालिक सोच लें कि हमारी हथेली से कितना छोटा है और क्या कुछ कर सकता है। इट अलाउज अस टू कॉन्टेक्ट पीपल, ये हमें काबिल बनाता है लोगों से रابطہ करने के लिए, एनी वेयर, कहीं भी इन द वर्ल्ड, दुनिया में, एंड टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, और इससे हम दुनिया की जदीद मालूमात हासिल करते हैं। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर्स, हम तस्वीरें ले सकते हैं और उनको महफूज कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑफ आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के मैसेज वसूल कर सकते हैं और भेज सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन, हम रेडियो ट्रांसमिशन भी हासिल कर सकते हैं, एंड कैन यूज़ इट एज ए कैलकुलेटर एज वेल, और हम इसे बतौर कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे के सारे फ़ायदे किसके हैं? ये सारे के सारे फ़ायदे एक मोबाइल फ़ोन के हैं, जो कि हमारी हथेली से भी छोटा है, और इस कदर हम उससे ज़्यादा काम ले सकते हैं, और उसी की वजह से आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम एक कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद अपने जानने वालों से रबते में रह सकते हैं, और वहाँ की खबर हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये सारे के सारे फ़ायदे किसकी वजह से हैं? फिज़िक्स के इस्तेमालात, फिज़िक्स के असूलों के इस्तेमालात, और फिज़िक्स में जिद्दत की वजह से हैं। इस टॉपिक में वो, जैसा कि अब इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, शुरुआत हो रही है फिज़िक्स की, तो सबसे पहले वो उसके फ़ायदे, इस्तेमालात और उसकी ज़रूरत को बयान कर रहा है कि हमारे लिए फ़िज़िक्स किस कदर ज़रूरी है। अगर हम आज फिज़िक्स बतौर एक सब्जेक्ट या एक ब्रांच पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा असर है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है। आगे वो बताते हैं, हाउएवर, ताहम द साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंसी इजादात हैव आल्सो कॉज्ड हार्म्स, साइंसी इजादात वजह बन चुकी हैं नुकसान का एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही का, ऑफ सीरियस नेचर, संगीन नोयत। सीरियस नेचर का क्या मतलब है? संगीन नोयत की। ताहम साइंसी इजादात संगीन नोयत की तबाही और नुकसान का वजह भी बन चुकी हैं। अब उनमें क्या मिसालें वो देता है, वन ऑफ विच इज़,
उनमें से एक है द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी, एंड द अदर इज डेडली वेपन, और दूसरा जानलेवा हथियार। जहाँ पर इस कदर फिजिक्स के फवायद हैं, वहाँ पर उसके बरअक्स उतने नुकसानात भी हैं। तकरीबन हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को अगर देखा जाए, वहाँ पर उसके फ़ायदे भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। अब देख लें कि ये किस कदर संगीन है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख लें, जो कि फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पर बेस करती है। वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो कि डायरेक्टली नहरों में, पानी में, दरियाओं में छोड़े जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कंट्री एक ज़री कंट्री है, और यहाँ पर ज़रात के लिए आबपाशी का सबसे बड़ा निज़ाम नहरी निज़ाम है। तो वेस्ट प्रोडक्ट उन फसलों तक आ जाते हैं दरिया के पानी की वजह से, और उन वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से जो हमारी खुराक बनती है, तैयार होती है, उसमें जहरीले मवाद होते हैं। उसकी वजह से लोगों में कैंसर और इस तरह के बहुत से अमराज पैदा होते हैं। इसके अलावा आब हयात मुतासर होती है, जैसे मछलियां हैं, दूसरी चीज़ें, अशा हैं जो पानी में रहती हैं, वो भी इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से मुतासर होती हैं। इसके अलावा क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंजिंग आजकल हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो किसकी वजह से? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है। इंडस्ट्रीज से स्मोक और दूसरी जहरीली गैसेस फिजा में छोड़ी जाती हैं, और उसके बुरे असरात एटमॉस्फेयर पर मुरतब होते हैं। और दूसरी जहरीली गैसेस एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग पैदा हो रही है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है मुसलसल, और सांस की बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा, इससे पहले इस टॉपिक में साइट पर एक बॉक्स दिया गया है, जहां पर वो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करता है। अच्छा, हमने इस टॉपिक में पढ़ा था फिज़िकल साइंस की कितनी डिसिप्लिनस हैं। हम उन डिसिप्लिनस को ब्रांचेस भी कहते हैं। फिज़िकल साइंस की 5 ब्रांचेस हैं, जिनमें पहली ब्रांच फिज़िक्स है, फिर केमिस्ट्री आ जाती है, फिर एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी, ये 5th ब्रांच आ जाती है। जबकि फिज़िक्स की मज़ीद काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं, उनमें से कुछ वो यहाँ पर डिस्कस करता है। अब आपने ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स को फिज़िकल साइंसेस की ब्रांचेज से मिक्सअप नहीं करना। अच्छा, ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स क्या हैं? इसमें सबसे पहले वो मैकेनिक्स को डिस्कस करता है। मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स फिज़िक्स की ब्रांच है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ स्टडी, ये मुताला है अशिया की हरकत का, इट्स काजेस, इसकी वजूहात एंड इफ़ेक्ट्स, और उसके असरात। मैकेनिक्स में हम अशिया की हरकत को स्टडी करते हैं, जैसे कि गाड़ी, एरोप्लेन्स या दूसरी चीज़ें हैं, वो मूव कैसे करते हैं, उनका मूव करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सारे हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद हीट, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, इसका ताल्लुक हरारत की नौयत से है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, उसकी मुंतकली के मोड्स एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, और हरारत के असरात। हीट फिज़िक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम हरारत के मुतलक पढ़ते हैं, उसके असरात, उसके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के तरीके और उसकी नौयत के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद है साउंड, फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम साउंड को स्टडी करते हैं, हम उसको अकस्टिक्स भी कहते हैं। इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स, ये ताल्लुक रखती है ज़ाहरी पहलुओं से ऑफ साउंड वेव्स, आवाज़ की लहरों के, देयर प्रोडक्शन, उनकी पैदा होने का अमल, प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात एंड एप्लीकेशंस, और उनके असरात। हम साउंड में आवाज़ की लहरों के मुख्तलिफ पहलू, ज़ाहरी पहलू पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि वो कैसे पैदा होती हैं, किन अशिया से पैदा होती हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, और उनके इस्तेमालात क्या हैं। साउंड के बहुत अहम इस्तेमालात हैं, जैसे सोनार है और अल्ट्रासाउंड है, जो कि हम मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है लाइट,
जिसे हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। ये रोशनी के ज़ाहरी पहलुओं के मुताले से ताल्लुक़ रखती है। इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी खसूसियात, वर्किंग, काम एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑप्टिकल आलात के इस्तेमालात। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? लाइट या ऑप्टिक्स में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिनमें टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सन ग्लासेस या मिरर वगैरह सारे इसी में आ जाते हैं। हम उनके वर्किंग प्रिंसिपल और उनके इस्तेमालात सारे के सारे इसी में स्टडी करते हैं, और हम स्टडी करते हैं कि इन पर लाइट के क्या इफ़ेक्ट हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मकनातीसियत। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस, ये मुताला है चार्जेस का एट रेस्ट, हालत सुकून में एंड इन मोशन और हरकत की हालत में। देयर इफ़ेक्ट्स, इनके असरात एंड द रिलेशनशिप और इनके ताल्लुकात विद मैग्नेटिज्म मकनातीसियत से। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम मकनातीसियत और चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं और इनके आपस में ताल्लुकात के बारे में मुताला करते हैं। इसी ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है। मकनातीस में आर्मेचर रखने या वायर्स लगाने से। इसके बाद है एटॉमिक फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये साथ का मुताला है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और एटम्स की खसूसियात का। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, ये ब्रांच एटम की खसूसियात और साथ के मुताले से ताल्लुक रखती है। अब है न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, ये ताल्लुक रखती है खसूसियात से एंड बिहेवियर और रवैये से ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के एंड द पार्टिकल्स और ज़रात विद इन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर। न्यूक्लियाई क्या होता है? दरअसल न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का प्लूरल है। न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जिसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं? टू टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। दरअसल फिजिक्स की इसी ब्रांच में हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन स्टडी करते हैं। हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्शन कैसे क्रिएट किए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है प्लाज्मा फिजिक्स, नाम से जाहिर है प्लाज्मा जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा मैटर की तीन अकसाम हैं, या मे बी फोर्थ भी वहाँ पर डिस्कस की गई हो। उनमें गैस, लिक्विड, सॉलिड और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी थी? प्लाज्मा। प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम आयनिक स्टेट कहते हैं, और ये पूरी कायनात में बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। ये नॉर्मल स्टेज में या नॉर्मल इन्वायरमेंट में ज़मीन पर नहीं पाया जाता, जबकि कायनात में ये नॉर्मल हालात में पाया जाता है। इट्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ये मुताला है पैदा होने का प्रॉपर्टीज़ खसूसियात का ऑफ द आयनिक स्टेट, आयनी हालत का ऑफ मैटर, मादा की। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम मादा की चौथी हालत कहते हैं। इसके बाद है जियो फिजिक्स, नाम से जाहिर है जियो मीन अर्थ। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के मुतालिक स्टडी करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये ज़मीन के अंदरूनी साख के मुताले से ताल्लुक रखती है। अच्छा, इसके बाद इस टॉपिक के आखिर में क्विक क्विज है, जिसमें वो दो क्वेश्चन देता है। व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं? इसका आंसर आपको नोट्स में दिया गया है। और इसके बाद है नेम एनी फाइव ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, जो ये बॉक्स में अभी पढ़ी हैं, अभी हमने स्टडी की हैं, उन ब्रांचेज में से हमने कोई से पाँच नाम लिख देने हैं।